हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर सेंस। यार कैसे हैं आप सब? होप करता हूं सब ठीक है। तो यार आज फाइनली फिर से हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुकी है हमारी ब्लैक फॉर्च्यूनर। ये एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, मतलब ओनर ने क्या क्या पसंद करके ली। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आती हैं जैसे कि जीप मेरिडियन होगी, ग्लॉस्टर होगी और अपनी अल्ट्रॉस Z4 होगी। तो चलो ओनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे एक बार। साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं यशवर्धन भाई। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ यार, मतलब फॉर्च्यूनर ही क्यों ली? सबसे पहले तो मेन सवाल ये आता है, इस सेगमेंट के अंदर और भी तो गाड़ियां आती हैं, कोई बीट नहीं करती। मतलब सेगमेंट, जो सेगमेंट लीडर है, सेगमेंट में जाओगे इसे कोई बीट नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब ये मैं इसका लवर हूँ, आप समझो 6-7 साल हो गए। मैंने बहुत चेक कर लिया, सारी जो इसके कंपटीशन में थी सब चेक करके तब मैंने इस पर हाथ रखा है। अच्छा, मतलब इससे पहले कौन कौन सी कार आप ओन करते हो? फॉर्च्यूनर ही यूज करिए। अच्छा, फॉर्च्यूनर ही यूज करिए करने के बाद, क्योंकि अपना सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, एक तो टोयोटा सेफ, वेल मेंटेन, बहुत अच्छी सर्विसेज, उसके साथ साथ ऑफ रोड कोई जवाब नहीं है इसका। आप किसी से भी कंपैरिजन करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे अपने लेवल पे कमियां दिखी हैं, बट मुझे इसमें आज तक कोई कमी नहीं थी। अच्छा, मतलब ये सेगमेंट लीडिंग कार आपको नज़र आती है। बाकी अगर जैसे कि लोग बोलते हैं कि 50 लाख की गाड़ी है, इतने फीचर्स इसमें नहीं मिलते, तो उसके लिए क्या है? आप 50 लाख में आप क्या किससे कंपैरिजन करेंगे इसका? नहीं, जैसे कि जीप मेरिडियन आई है तो वो नीचे आ जाती है, अपने 40 लाख से भी नीचे आपको मिल जाती है। उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं मिलता। इसमें उसके साथ साथ आप वो देखो ना, वो कहीं ना कहीं उसको ऑफ रोड दिक्कत आती है उसमें, उसके साथ साथ आपके जो अंदर इनर फीचर्स दे दिए ना टोयोटा ने, वो उसमें नहीं है। अच्छा, आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके इंटरनल फीचर्स नहीं है जो इसमें बेटर दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, और फिर टोयोटा, हाँ वो टोयोटा तो पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी है। फिर इंजन, सबसे बड़ी मजबूती होती है इंजन की, जो ये टोयोटा दे देता है, पावरफुल इंजन रहता है टोयोटा। बाकी अगर जैसे कि हम बात करें तो कितने दिन हो गए आपको इसके लिए? मेरे को आज 1 वीक हुआ है। अच्छा, 1 वीक हो गया, तो कब बुक करी थी, कितने महीने की वेटिंग थी? मुझे वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी मेरी। अच्छा अच्छा, जान पहचान बहुत अच्छी है। बहुत पुराना कस्टमर हूँ तो मैं, मुझे दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी ये कौन सा वो है वेरिएंट, 4x4 4x2 4x2? अच्छा, 4x2, तो ऑटोमेटिक मैनुअल? ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग आपको कितने की पड़ गई? मुझे ये पड़ी 45 लाख की। अच्छा, तो उसमें अगर जैसे कि हम इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो अभी तक सर्विस कराई नहीं होगी? नहीं। अच्छा, तो 1000 किलोमीटर भी नहीं चली? अभी नहीं चली। हाँ, 1000 पे होती है पहली सर्विस जो अपनी होती है, 1000 के बाद आपको दोबारा इसका फीडबैक देंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, दोबारा वीडियो आपको मिलेगी। बाकी अगर ब्लैक कलर की बात करें तो पहले आप व्हाइट चलाते थे शायद? पहले व्हाइट चलाते। अच्छा, तो इस बार ब्लैक चेंज करने की सोची? अच्छा, क्योंकि देखो सर, सबसे प्रीमियम कलर में व्हाइट और ब्लैक ही है, बाकी तो कुछ भी ढूंढ लेते रहो, जो क्लासेस की है व्हाइट ब्लैक की वो किसी की नहीं है, तो व्हाइट चला ही लिया था। ब्लैक से एक शिकायत रहती है कि बहुत जल्दी ज्यादा गंदा हो जाता है। 7 लाख की गाड़ी ली है, कम से कम कपड़ा मारने वाला तो रख सकते हैं। हाँ, वो तो है, साफ सफाई करने वाला रख सकते हैं। बाकी इसका जो इंजन है वो काफी ज्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, काफी स्ट्रांग इंजन है, ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट ऑल जो भी प्रोडक्ट है। बाकी जैसे 7 सीटर कार है जो अपनी थर्ड रो है, उसमें लोग बोलते हैं इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो नहीं, इसमें कंफर्टेबल है एक्चुअली, लेंथ काफी अच्छी दे रखी है। हाँ, लेंथ तो अच्छी दे रखी है। बाकी में देखोगे ना, चाहे महिंद्रा एसयूवी देख लो या आप जीप की बात करो, हाँ मेरिडियन, कहीं ना कहीं इसमें मेरिडियन में स्पेस कम है। हाँ हाँ, बिकॉज़ इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, और मतलब इंडियन जो भी सीटर्स बैठे होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। इंडियन रोड्स के हिसाब से तो इसके टायर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, पिंचर होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो? डिसएडवांटेज में बस ये कह सकता हूँ मैं, एडवांटेज तो अपने आप में ये बीस्ट है। हाँ ठीक है, उस साइड डिसएडवांटेज सिर्फ ये, इतने बजट में ये सनरूफ दे सकते थे। हाँ, मतलब सनरूफ की बस एक सनरूफ दे सकते थे, बाकी कोई कमी नहीं है, बाकी कोई कमी नहीं। बाकी जैसे कि लोग बता, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने सीसी की गाड़ी है तो एवरेज को मैं काउंट नहीं करूंगा, बट सिर्फ एक सनरूफ की कमी है, बाकी ऑल ओके गाड़ी। बाकी एवरेज कितने का दे देती है जैसे कि? 10-11 सिटी के अंदर, और हाईवे पे अपना वो 14-15 दे देती है, 12-13 तक। अच्छा, 12-13 दे देती है। तो ये अपनी डीजल है पेट्रोल? डीजल। अच्छा, तो इसमें जो एडब्लू डलता है उसका कुछ आइडिया है, मतलब कितने पे डलता है वो, कितने सर्विस? वो आइडिया नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, तो बाकी 4x4 अगर आप ले सकते थे तो उसका? बट मुझे लगा नहीं रिक्वायरमेंट, बिकॉज इतना कहीं भी आप 4x4 कहाँ, ऑफ बहुत आप एक्सट्रीम ऑफ रोड जाओगे तब जाके जरूरत पड़ती है। हाँ, उसकी जब जरूरत, इतना कभी नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, जैसे कि लोग बोलते हैं जो अपनी स्कॉर्पियो एन आई है वो इस सेगमेंट को बीट करती है, मतलब कहीं ना कहीं हद तक वो फॉर्च्यूनर को बीट करती है। क्वालिटी कहाँ से लाओगे? क्वालिटी की बात है, क्वालिटी कहाँ से लाओगे? आप स्कॉर्पियो का गेट बंद करो, आप इसका गेट बंद करो,
हाँ वो तो साउंड बता देगा। हाँ महिंद्रा और टोयोटा इसका बता देगा। आप इसका गेट बंद करके देखना क्वालिटी गेट की और किसकी करना, बहुत फर्क आ जाता है। मतलब बिल्ड क्वालिटी जो है वो टोयोटा की नंबर वन है, महिंद्रा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो भैया एक बार अंदर बैठो। बाकी अगर जैसे कि इंटीरियर की बात करें तो ओवरऑल इंटीरियर आपको कैसा लगा गाड़ी का? पुरानी आप चलाए बहुत अपग्रेड कर दिया इन्होंने। हाँ हाँ इस चीज़ के लिए ना। हाँ वही पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे आप पुरानी वाली फॉर्चुनर चलाते थे तो उसके हिसाब से क्या क्या अपग्रेडेबल है इसमें? इसमें आप देखोगे सिस्टम हो गया, कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्प्ले में चीजें अपग्रेड कर दी हैं, तो उस चीजों को देखते हुए ना बहुत ऐड ऑन चीजें करी हैं। अच्छा अच्छा बाकी वुडन टच मुझे लगता है इस बार आया है। वुडन टच आया है इसमें, ये वाली चीजें इसका थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, ये चीजें थोड़ी फैब्रिक में कर दिया। अच्छा अच्छा बाकी बस इसमें एक सनरूफ की कमी है, ओनली सनरूफ, बाकी गाड़ी नो डाउट ऑल ओके अच्छी है। बाकी अगर हम इसकी बात करें, अभी तक इसमें आपने कुछ कराया नहीं आफ्टर मार्केट जाके? कुछ नहीं, सिर्फ मैंने एक प्रोटेक्शन फिल्म चढ़वाई है इसमें। अच्छा अच्छा नीचे? नो ऊपर। अच्छा ऊपर पीटीयू टीपीयू की जो प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ती है वो चढ़वाई है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा कुछ नहीं करा, बाकी सब कंपनी का ओल्ड है। तो इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियां देखी, मतलब लेने से पहले ऐसा कुछ है या सीधा फिर फॉर्च्यूनर? पहले फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर था, ब्लैक पे आ गया। अच्छा ब्लैक नंबर हो गया अपना 5000, इतने साल था नंबर सेम, मतलब इतने साल हो गए गाड़ी को चलाते चलाते तो वही अच्छी लगती मुझे, है। हाँ मुझे लगा नहीं, एक दूसरी भी है हम पे C220 मर्स। अच्छा वो नॉर्मल रहती है कि अपना ऑफ रोड वो ज्यादा यूज नहीं होती। हाँ, है वो तो सेडान टाइप में, सेडान टाइप में, तो वो दूसरी है वो। अच्छा। ऐसे यूज होती है वो मर्सिडीज अपना। हाँ। बड़ा नाम है वो भी, वो 220 डीजल है वो। अच्छा डीजल है वो। बाकी इस पे बैठ के ऐसा लगता है मतलब एक माले पे बैठ गए कि अगर भैया जैसे कि एंडेवर मार्केट के अंदर एंडेवर होती तो आप उसकी तरफ जाते, ऐसा कुछ है? देखिए गाड़ी कितनी भी हम हाई ले लें बट कहीं ना इंडियन एक सोच होती है कि वो ना कहीं मेंटेनेंस भी देखता है, तो उसमें वो मेंटेनेंस बंदा सर्विस कराने जाए, सर्विस करानी हो गई, मेंटेनेंस हो गई, तो वो भी देखता है। तो उस लेवल पे आप देखो ना, एंडेवर एक प्रोडक्ट महंगा हो गया, उसके बाद सर्विस महंगी हो गई, उसके पार्ट्स महंगे हो गए, तो उस सोच के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये बेस्ट रहती है। टोयोटा आपको कहीं ना बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए चलती है। बाकी अगर जैसे कि आप बता रहे हो आपके पास फॉर्च्यूनर थी पुरानी वाली, तो उसका लगभग सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती थी? अप्रोक्स आप मान के चलो 15,000 के आसपास। 15,000 में सर्विस हो जाती थी? सर्विस हो जाती थी। अच्छा मतलब हाँ ज्यादा महंगी भी नहीं है और ज्यादा सस्ती भी नहीं है, उसमें 10-15 के ब्रैकेट में चीजें हो जाती। अच्छा अच्छा बाकी अगर इंश्योरेंस की बात करें तो उसका बताना चाहोगे, मतलब जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता था? आप नॉर्मल मान के चलो 50 प्लस ही जाता है, 50,000 प्लस आपको मिल जाता है। बट उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज वो ऑलरेडी एड ऑन कर देते हैं, इंजन हो गया, की हो गया, जो नॉर्मल होते हैं ना वो सारी चीजें इसमें एड ऑन होती है। अच्छा अच्छा बाकी अगर जैसे कि मैनुअल में ज्यादा पावर रहती है एज ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ है? बट इसके साथ नहीं है वो चीज। हाँ वो अपनी जो छोटे सेगमेंट में गाड़ी, छोटे सेगमेंट में जो गाड़ियां है ना, जैसे आप कह दो ब्रीजा, मैं ब्रीजा को कहूंगा, वो जो ब्रीजा अर्बन क्रूजर निकाली है वो बिल्कुल मतलब वर्थ इट नहीं है इतने पैसे। वो 80 के उस पे तो बोलना शुरू हो जाती है, पर इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक के साथ साथ जो अपग्रेड दे दिया ना वो बहुत बढ़िया चीज है। पीछे की सीट्स भी कंफर्टेबल है? हाँ सीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा टोयोटा सेगमेंट में जैसे इनोवा भी है, तो इनोवा में, इनोवा और इसमें मतलब मुझे फर्क नहीं दिखता है। अच्छा बट बस ये हाइट पे आ गई थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नीचे हो जाती है, नीचे हो जाती है। बाकी ये रोड पे मतलब जब निकलते हैं गाड़ी लेकर तो पब्लिक देखती है, पब्लिक रिएक्शन जो है वो एक नंबर है, एक बार को पीछे मुड़ी जाती है। हाँ मतलब यार देख लो कौन सी गाड़ी है। और फॉर्च्यूनर हो ब्लैक कलर में हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग ना देखें, ब्लैक कलर का यही है। बाकी अपनी लोग मतलब काफी ज्यादा वीडियो बना रहे हैं कि स्कॉर्पियन ऐसी, तो नहीं 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 उसको कंपैरिजन नहीं है इसका, नो कंपैरिजन, सेगमेंट लीडिंग कार है। यस ये था अपना एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू अपने यश भैया के साथ। इनको ये एक हैप्पी कस्टमर है अपने टोयोटा के, क्योंकि बहुत सालों से अपनी फॉर्च्यूनर चला रहे हैं पुराने वाली, और अब इन्होंने नई वाली ले ली है। तो भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं कहूंगा जिस जो इस सेगमेंट में इस बजट में देख रहे हैं वो जरूर इसको प्रेफर करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।